बच्चे हैं ज्यादातर, जिनकी उम्र 18 से 25 साल की अंदाजा उम्र है। उसके अलावा काफी औरतें भी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। इसमें दो तीन चीजें मैं आपसे डिस्कस, दो तीन बातें डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आपका टाइम ले रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया 243 अरेस्ट हुए हमारे अभी तक, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे मुसलमान कॉम्युनिटी सबसे ज्यादा। द लाइव टीवी सच सबसे आगे। दरअसल अभी आपने जो एक वीडियो का चंक देखा उसमें तथाकथित तौर पर समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं, जो कुरान, मुसलमान, इस्लाम और आयत पर ज्ञान दे रहे हैं। वो बात अलग है कि थोड़े दिनों पहले ही समीर वानखेड़े से लेकर उनके पिता और पत्नी ने साफ तौर पर यह कहा था कि समीर वानखेड़े मुसलमान नहीं है, उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये तमाम दस्तावेज भी पेश किए गए, दावे किए जाते रहे, लेकिन जो ये वीडियो सामने आई है, जिसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन जो वीडियो सामने आई है वो पोल खोल कर रख देता है समीर वानखेड़े की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल द लाइव टीवी के एक प्रशंसक ने उनको एक वीडियो भेजा है जिस वीडियो में तथाकथित तौर पर समीर वानखेड़े नजर आते हैं। उसमें वो एनसीबी के अधिकारी के तौर पर भी पेश हुए हैं और साथ ही जब वो भाषण देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, तो वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। पहले आप वो वीडियो का एक चंक देखिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं एनसीबी के द्वारा, नशे के आदि हो चुके हैं, वो मुसलमान हैं, यानी हमारे मुस्लिम भाई हैं। पहले वो वीडियो देखिए। तो अगर दीन की बात करें, इस्लाम की बात करते हैं, जनरली हम पूछते हैं बेटा तेरा नाम क्या है, तो नाम से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं बेटा तू नमाज पढ़ता है, हम दर में नमाज पढ़ता हूँ, कितनी रात नमाज पढ़ता है, जुमा की पढ़ता हूँ, जुमा फिर पता उसको बोला जाता है कि मुझे पता है ड्रग जो जिस ड्रग के साथ पकड़े जाते हैं क्या लगता है तुझे सही है। सर कोई बोलता है सर ये तो मकरूह है, ठीक है लेकिन आराम तो नहीं है। तो मैं उसको बोलता कि भाई तू जब नमाज पढ़ता है, तू जब अगर कुरान शरीफ भी पढ़ता है तो कभी तूने कुरान शरीफ तर्जुमा भी साथ पढ़ा? नहीं सर मैं अरबी पढ़ाऊँ, बचपन में पढ़ाऊँ, मुझे आता नहीं है अभी, भूल गया हो। तो आपने सुना कि किस तरह से दावा किया जा रहा है कि 243 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे मुस्लिम भाई का मतलब समीर वानखेड़े, जो तथा कथित तौर पर इस वीडियो में देख रहे हैं, जबकि इसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को अगर सच माना जाए तो समीर वानखेड़े कहते हैं कि 243 लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें से हमारे मुस्लिम भाइयों की तादाद ज्यादा है। यही नहीं, वो आगे ज्ञान भी देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से उनसे पूछताछ की जाती है, आयत के बारे में पूछा जाता है, कुरान के बारे में पूछा जाता है, दीन और इस्लाम के बारे में पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समीर वानखेड़े को ये पूरी जानकारी कैसे है जो तथाकथित तौर पर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उस चंक को भी देखिए, उस वीडियो को देखिए। कमर की बात आती है जहाँ तक, जिस हिसाब से सूर्य तहरी में शराब को हराम किया के गोश्त को हराम किया गया, उस हिसाब से ये भी हराम है, तो कैसा पीता कैसा और पत्ता कैसा था। तो आपने देखा कि किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं समीर वानखेड़े, बताते हैं कि जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनसे पहले नाम पता पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप इसमें क्यों आए, क्यों आप नशे के सौदागर बने, क्यों इस धंधे में उतर आए। उसके बाद उनसे कुरान की जानकारी ली जाती है, इस बात की पुष्टि की जाती है कि वो कितने मुसलमान हैं, कितने बड़े मुसलमान हैं, कुरान जानते हैं, आयत जानते हैं, दीन इस्लाम जानते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आयत 1991 जानते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि समझ की बात, जिसमें दीन की बात लिखी है, इस्लाम की बात लिखी है, नशे से दूर रहने की बात लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जानकारी समीर वानखेड़े को कैसे है जो तथाकथित तौर पर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि द लाइव टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच्चाई अगर यही है, ये वीडियो की अगर पुष्टि नहीं भी करते, लेकिन अगर सच है ये वीडियो, तो सवाल ये उठता है कि वो तमाम दस्तावेजों का क्या, वो तमाम दावों का क्या जो लगातार समीर वानखेड़े की तरफ से किया जा रहा था, समीर वानखेड़े की पत्नी की तरफ से किया जा रहा है, उनके पिता की तरफ से किया जा रहा है, कि जो
शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए कभी भी समीर वानखेड़े ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। समीर दाऊद वानखेड़े नाम का जो निकाहनामा सामने आया था उसके बाद हड़कंप मच गया था। नवाब मलिक साहब ने सार्वजनिक तौर पर वो निकाहनामा ट्वीट किया था और सवाल पूछा था कि आखिर ये समीर दाऊद वानखेड़े कौन है। वो बात अलग है कि समीर वानखेड़े की जो पोल थी वहाँ खुलती हुई नजर आई थी, पता लगा था कि किस तरह से झूठ बोलकर फरेब किया था और नौकरी भी पाई थी। उनके जो पहली पत्नी के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि समीर वानखेड़े मुसलमान है, समीर दाऊद वानखेड़े है वो, और ये जानकारी है तभी अपनी बेटी की शादी उन्होंने समीर वानखेड़े से की थी, समीर दाऊद वानखेड़े से की थी और यही सब कुछ जानते हुए किया था। वो बात अलग है, डिस्प्यूट हुआ, दोनों अलग हो गए, लेकिन समीर दाऊद वानखेड़े एक मुसलमान है उस बात का दावा समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता ने किया था। वो बात अलग है कि लगातार उनकी पत्नी, उनके पिता यानी समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी दावा कर रहे थे, तमाम सर्टिफिकेट्स दिखाए जा रहे थे कि कभी भी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि सवाल ये उठने लगा था कि अगर वो मुसलमान से हिंदू बने और उसके बाद दलित के तौर पर आरक्षण लेकर नौकरी पाई तो ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए कहाँ से और कैसे बनवाए और नौकरी कैसे पा ली उन्होंने। और इसी को लेकर जब सवाल उठने लगे थे तो उनके पिता यानी समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी दोनों ने लगातार मीडिया के सामने आकर दावा किया था। वहीं दूसरी तरफ कोशिश में लगे हुए थे समीर वानखेड़े इस बात को लेकर कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, लेकिन अब जब ये विस्फोटक वीडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें तथाकथित तौर पर समीर वानखेड़े नजर आते हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इस्लाम की बात पूछते हैं, हम कुरान की बात पूछते हैं, हम पूछते हैं कि आयत कितना पड़ा है, ये तमाम चीज़ें पूछते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 243 लोग गिरफ्तार अब तक हुए हैं उसमें से ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं, यानी इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया है इस वीडियो के जरिए। एक बार वो वीडियो पूरा आप देखिए। ये सब इलाकों में हम लोग ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन किया, इसके अलावा तो बहुत अलग अलग किस्म के ड्रग्स नशियात के सामान पकड़े हुए हैं। उसमें जो लोग पकड़े गए हैं बच्चे ज़्यादा जिनकी उम्र 18 से 25 साल की अंदाजन उम्र है, इसके अलावा काफ़ी औरतें भी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर दो तीन बातें डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आपका टाइम ले रहा हूँ। अभी जैसा मैंने आपको बताया 243 अरेस्ट हुए हमारे अभी तक, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे मुसलमान कौम के बच्चे हैं सबसे ज्यादा। अभी उसमें कोई हिंदू भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, लेकिन उनकी तादाद कम थी। अभी जब हम उनको पकड़ने के बाद जब उनसे बात करते हैं तो अगर दीन की बात करें, इस्लाम की बात करते हैं, जनरली हम पूछते हैं बेटा तेरा नाम क्या है, तो नाम से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं बेटा तू नमाज पढ़ता है, हम कर नमाज पढ़ता हूँ, कितनी रात नमाज पढ़ता है, जुमा नहीं पढ़ता हूँ, नमाज जुमा में कितना पढ़ता है, दो रात पढ़ता हूँ। फिर उसको बोला जाता है कि मुझे पता है ड्रग जो ड्रग के साथ पकड़े जाते हैं क्या लगता है तुझे सही है। सर कोई बोलता है सर तो मकरूह है, ठीक है लेकिन हराम तो नहीं है। तो मैं उसको बोलता कि भाई तू जब नमाज पढ़ता है, तू जब अगर कुरान शरीफ पढ़ता है तो कभी तूने कुरान शरीफ तर्जुमा भी साथ पढ़ा, नहीं सर मैं अरबी पढ़ाऊँ बचपन में पढ़ाऊँ मुझे आता नहीं है अभी भूल गया हो। उससे बोलते कि भाई तुम आशा पढ़ा सूर्य मैदा कभी पढ़ा है, हाँ सर तर्जुमा के साथ नहीं आया मक्के 1991 आयत बोली है मंजिया की, इसमें कमर की बात आती है यहाँ पर जिस हिसाब से सूर्य तहरी में शराब को आरम्भ किया है, जीजी के गोश को आरम्भ किया गया है, उस हिसाब से ये भी आरम्भ कर सकते कैसे पीता कैसे और पता कैसे काम नहीं सर हमको मालूम नहीं था, ये हमको पता है कि मकरू है, हमको कन्फ्यूजन था। कुछ ने पढ़ा है कुरान, कुछ नमाज पढ़ते हैं बहुत दिन से बहुत उम्र है, मुझको अगर ये भी पूछते कि भाई फजर में तो नमाज पढ़ते सर मुझे पता फजर की नमाज तुमने रखा कितनी है, अगर 7 रखा होती फजर की। तो देखा आपने किस तरह से तथाकथित तौर पर इस वीडियो में नजर आ रहे शख्स
ईमान, इस्लाम, आयत और कुरान की बात करते हैं। और ये समीर वानखेड़े होने का दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो में देख रहे हैं वो समीर वानखेड़े हैं। दरअसल ये एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उस प्रोग्राम का वीडियो है जहां तमाम मुस्लिम भाई सामने बैठे हुए हैं, मंच सजा हुआ है और वहीं से माइक लेकर ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, जिसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता। ये वीडियो द लाइव टीवी के एक प्रशंसक ने भेजा है कि किस तरह से समीर वानखेड़े ने धोखा दिया, जिसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सच है तो जांच का विषय है। अब इस वीडियो को भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये वीडियो कब का है, क्यों बनाया गया और जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका आधार क्या है। क्योंकि जब अपने प्रवचन की शुरुआत जो ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि 243 लोग गिरफ्तार होते हैं नशे को लेकर, उसमें से सबसे ज्यादा उनके मुस्लिम भाई होते हैं, यानी उन्हें दुख है इस बात का। इसके बाद जांच के दौरान जब पूछताछ की जाती है तो कुरान की बात पूछी जाती है, कुरान कितना पढ़े हैं, एक एक आयत पूछी जाती है, ये कंफर्म किया जाता है कि वाकई मुसलमान है या नहीं, ये कंफर्म किया जाता है कि दीन और इस्लाम में इनका विश्वास है या नहीं। ये तमाम बातें वीडियो में दर्ज हैं और इसी को आधार बनाकर फिर आगे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये नशे के कारोबार में उतरे कैसे, ये पूछा जाता है। आयत 1991 का जिक्र करते नजर आते हैं, तथाकथित तौर पर जो वीडियो में देख रहे हैं समीर वानखेड़े, इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि जो पकड़े जाते हैं उनसे हम आयत 1991 की बात पूछते हैं और उनको समझाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि समझ की बात, उसमें लिखी है दीन और इस्लाम नशे से दूर रहने की हिदायत देता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस नशे के कारोबार में क्यों उतरे। ये ज्ञान जरूर उन्होंने दिया, लेकिन यही ज्ञान अब कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन तथाकथित तौर पर जो इस वीडियो में समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जो तमाम दावे नवाब मलिक साहब की तरफ से किए गए थे कि समीर वानखेड़े नहीं है वो, बल्कि समीर दाऊद वानखेड़े हैं। पहले एक महिला से शादी की निकाह किया, धोखा दिया और उसके बाद मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट होकर एससी के तौर पर दावा करते हुए आरक्षण लेकर नौकरी पा ली। ये तमाम दावे अब पुष्ट होते हुए नजर आते हैं जब इस तरह की वीडियो निकलकर सामने आई है, और अब इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। अगर वाकई इस वीडियो में सच्चाई है तो ये जांच का विषय है, क्योंकि जो दावा मीडिया के सामने, पुलिस के सामने किया गया, एक जो सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी, नवाब मलिक साहब लगातार सवाल उठा रहे थे कि सर्टिफिकेट्स की जांच होनी चाहिए, मात्र एक घंटे के अंदर सर्टिफिकेट्स की जांच कर ली गई, पता कर लिया गया नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारे सर्टिफिकेट असली हैं, ओरिजिनल हैं, ये तमाम चीज़ें क्लीन चिट दे दी गई। किस आधार पर, कौन से रॉकेट साइंस के तहत सर्टिफिकेट की जांच की गई थी। इस वीडियो के बाद तो तमाम उन सर्टिफिकेट्स की फिर से जांच होनी चाहिए और प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये रॉकेट साइंस कौन सा आया कि एक घंटे के अंदर ये पता कर लिया गया कि ये सर्टिफिकेट असली हैं नकली हैं, कितनी तेज गति से काम किया गया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से किस रफ्तार से काम किया गया, इस पर भी सवाल उठता है। क्या अपने पुलिस के अधिकारी को बचाने के लिए, अपने एक अधिकारी को बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से भी, ये एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। फिलहाल आपको जाते जाते फिर कह देते हैं कि इस वीडियो की पुष्टि द लाइव टीवी कतई नहीं करता है, जिसमें तथाकथित तौर पर समीर वानखेड़े ज्ञान देते नजर आ रहे हैं और ये मानते नजर आ रहे हैं कि वो मुसलमान है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।